मैं ज़ुबैर बशीर, यहाँ पे फार्मासिस्ट हूँ जनशिदी ड्रग स्टोर डी एच कुलगाम में। तो अगर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जब ये ड्रग्स मार्केट में आई तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। अगर हम इसकी एफिकेसी की बात करेंगे या जो मार्केट में दवाई मिलती बिल्कुल सेम एफिकेसी दवाइयों की जैसे बाहर है वहाँ पे भी ये यहाँ पे भी है। अगर आप मार्केट का रेशो देखेंगे इन दवाइयों और उन दवाइयों का, कम से कम आपको किसी दवाई में 60% रेशो मिलता है, किसी दवाई में 50% रेशो मिलता है। जब हम कंपैटिबिलिटी और एफिकेसी की बात करते हैं बिल्कुल सेम एक्शन वही है हमने यहाँ पे देखा है। जैसे हमने हाइपरटेंसिव पेशेंट उसको दवाई दी, डायबिटिक पेशेंट उसको दवाई, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हमें। वो फॉलोअप पे आते हैं, वही दवाई हमारे हमसे कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। तो लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला यहाँ पे कि जब यहाँ पे हमारे आयुष्मान भारत के पेशेंट्स एडमिट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको भी हम यहाँ से मेडिसिन देते थे। जो बाहर के पेशेंट्स आते थे उनको भी हम यहाँ से दवाई देते थे। तो उनका यही रेस्पॉन्स मिलता है कि मतलब ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, ये हमें आज तक पता क्यों नहीं था। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाते जाए, जिससे क्या होगा कि लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। आप सबको पता है जेनरिक दवाई कितनी मतलब बेहतर होती है कि एज़ कम्पेयर टू ब्रांड। मतलब इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रांड वाली दवाई में। तो यहाँ पे दिन ब दिन प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। पहले डायबिटिक रेंज में काफ़ी कम दवाई आती थी, अब ऑलमोस्ट इन्होंने हर कोई प्रोडक्ट ऐसी आई है मार्केट में ये जनौषधि केंद्रज में इनकी बास्केट में, अब इनके पास हर कोई दवाई अवेलेबल है। इन्होंने मतलब अराउंड 3000 प्रोडक्ट्स ये पहुँच गए। अब मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट ईयर कोई अब बाहर जाएगा पेशेंट दवाई लेने, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इन दवाइयों से। अगर मैं पर्सनल बात करूंगा कि मतलब यहाँ पे अब जॉब वैकेंसी इतनी नहीं थी कि हमें भी ये फील्ड मिला कि मतलब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम इजीली अर्न कर सकते हैं मंथ में 40-50,000 रुपीज़, ये भी हमें एक फ़ायदा मिला। नहीं तो हमें ये जॉब वैकेंसी अभी नहीं मिलनी थी कहीं पे। गवर्नमेंट ने हमें ये एक इनिशिएटिव दिया, हम प्रॉफिट बेस्ड शेयरिंग पे काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा काम करें, ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाए लोगों के पास। जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरी आते हैं, अगर आप किसी भी बेनिफिशियरी से यहाँ पे बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि डिजायर्ड रिजल्ट ही बताएगा वो जो बेनिफिशियरी यहाँ से दवाई कलेक्ट करते हैं। जी मैं एतमाद सुल्तान डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से। तो हम सरकार का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे जनौषधि केंद्र लगाया है जहाँ पे लोगों को सहूलियत फराहम होती है, दवाई सस्ता मिलती है यहाँ पे। जो दवाई मार्केट में 1000 की मिलती है वो 200-300 की मिलती है यहाँ पे जनौषधि केंद्र में। तो लोगों को चाहिए कि वो यहाँ पे आके फ़ायदा उठाए, जो भी दवाई उनको ज़रूरत होगी तो यहाँ पे सभी दवाई फराहम है। तो हम सरकार का शुक्र अदा करना चाहते हैं।